से इरादा ये भी है कि नारायण कागान भी जाएंगे जी, नारायण कागान। तो मैंने यहाँ बनाया है चावल और साथ में है रायता, मजेदार सा अचार है। तो बस खाना खाना शुरू करना। ये सारे मैंने धोने हैं, सारे कपड़े गंदे थे पानी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो दो दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, यानी वीडियो दो दिन के बाद आपके पास पहुँचेगी। थोड़ा घर के कामों में मसरूफ़ थी, सिस्टर के साथ भी एक दो काम थे और घर में भी थोड़ी काम की परेशानी थी, इसमें मसरूफ़ थी तो दो दिन वीडियो नहीं आ सकी। जाहिर सी बात है, कहीं इंसान मसरूफ़ होता है तो छुट्टी तो करनी पड़ती है। अगर मैं स्कूल में भी जा रही होती तो भी मैं छुट्टी कर लेती हूँ, हो भी जाती है। तो इसी तरह वीडियो में भी थोड़ा नागा हो गया। तो बस इंशाल्लाह जो है आपके साथ अब वीडियो शेयर करती हूँ। अब इसके बाद जलवा दिया सजाद ने पानी, सबसे पहले लगाऊंगी मशीन, क्योंकि मशीन लगानी ज़रूरी है। बहुत सारे कपड़े जुड़ चुके हैं। अभी सुबह डलवाया है सजाद ने यहाँ पानी, सबसे पहले मशीन में पानी डाला है जी, क्योंकि ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने धोने हैं, सारे कपड़े गंदे थे पानी की वजह से। काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए हैं, वहाँ थोड़ा सा पानी ज्यादा मुझसे डला था तो वो मुझे निकालना पड़ा। दिखाएंगे सजाद? मशीन में इतना पानी था कि झाग जो है ना वैसे उबल उबल के जो ना बाहर आ रही थी। पीछे हटो जरा, मैं बताऊँ। वो देखो, फिर हमने वो एक टप में निकाली, ये जग में निकाली है और अभी दोबारा नीचे हो गई है। वो उस टाइम शुरू में जिस टाइम सरफ ज्यादा डला हुआ था ना, तो झाग बन बन के बाहर गिरना शुरू हो गई थी, मैंने निकाल दी और अब नीचे जाएगी तो मैं दोबारा डाल दूंगी उसी में। यहाँ खाने का टाइम हो गया था, कपड़े तो साथ साथ धुल ही रहे हैं, वो तो धुलते रहेंगे क्योंकि काफी सारे कपड़े। तो मैंने यहाँ बनाया है चावल और साथ में है रायता, मजेदार सा अचार है। तो बस खाना खाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है बाकी का काम। मजेदार सा अचार भी पड़ा हुआ है। चावल मैंने व्हाइट बनाए क्योंकि सजाद कह रहे थे कि व्हाइट चावल बनाए, तो मैंने यहाँ पे मुर्गी और आलू का थोड़ा सा शोरबा भी बना दिया है साथ में चावलों के लिए। तो मजेदार सा खाना रेडी है इंशाल्लाह, खाना खाते हैं। कपड़े कुछ कुछ साथ साथ धुल गए थे तो छत के ऊपर नहीं लेकर गई हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से कल ही जो है हमारे किराएदार हमें बता के कि हमारी कोई परेशानी है, आधे महीने में खाली करके चले गए। हमने उनसे कुछ नहीं कहा कि जी उनकी कोई परेशानी थी, तो फिर मैंने सजाद से कहा कि यही तारे बांधने मुझे। रात के खाने के लिए मैंने बच्चियों के लिए मंगवाई है जी बाहर से बिरयानी, क्योंकि आज इनका लास्ट डे है। मेरे घर आई थी मिलने के लिए, ये कल जा रही है, कहाँ जा रही है? एबटाबाद जा रही है जी, ये कल की टिकट है इन लोगों की। तो फिर इनसे मैंने कहा है कि आप वहां जाके जो भी व्यू देखेंगी प्यारा प्यारा कुछ अच्छा अच्छा जहाँ जहाँ जाएंगी ये मेरी तरफ वीडियो भेजा करेंगी, मेरा नाम लेके कि हम मेशियन थी, हम यहाँ आए हुए, हम ये कर रहे हैं, हम वो करें, फिर मैं आपसे वो शेयर किया करूंगी। आयत भेजोगी? आयत आप ब्लॉग बना के भेजोगी? हानिया भी जा रही है और नायका भी जा रही है, लेकिन ब्लॉग जो है ना नायका बनाएगी आयत का, आयत बताएगी सब जगह हमें और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है आयत, कैसे बोलोगी? बोल के दिखाओ। हाँ यूं। खाओ बेटा, ये नहीं खा ली, इसको भूख नहीं लग रही। बच्चियाँ चली गई हैं जी घर, अपने बहन के साथ चली गई थी, वो आई थी तो बस थोड़ा सा दिल भी वो हो रहा है कि उनके साथ थोड़ी अटैचमेंट भी ज्यादा हो जाती है, खास तौर पे आयत के साथ, कि आयत के बोलने का अंदाज और प्यार करने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि मुझे याद आ रहा है अच्छा आप क्या करोगी, क्या मैं ये करूँगी, हर चीज में ना वो क्या की जगह चा लगा देती है। तो बस अभी चलेंगे, मैं इनसे मैंने मुलाकात अभी कर ली है कि मैंने आपसे कहा है ना कि बस हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी होती है। सुबह मैंने जाना है स्कूल, छुट्टी नहीं कर सकती स्कूल की, तो मैंने उनसे जो है यहीं पर मिलना मिलाना प्यार मोहब्बत सारा प्यार ये वो सब उनसे कर दिया कि सुबह 10 बजे उन्होंने निकलना है और मैं सुबह छुट्टी नहीं करूँगी, बस उन्हें भेज दिया। बस गांव जाने की बात हो या यहाँ अपने जो उसके कज़न रहता है इकराम उसके घर जाने की बात हो, तो बेटे मेरे कैब का जो है दिल इतना छोटा सा है कि एकदम से फौरन मुझे बोलता रहता है मम्मा उनके घर चलो ना या गांव चलो ना। अब जो भांजियाँ जा रही हैं तो कैब जो है कल से अपसेट है, मैंने इससे भी बड़ी मुश्किल से राज़ी की है। ये रो रहा था कि काफ़ी देर नाराज़ होकर भर के सोया रहे कि मुझे भी उनके साथ गाँव भेज दें। तो बहन ने तो काफ़ी कहा है कि इसे भेज दो, जैसे मेरी 3 बच्चियां हैं वैसे ही कैफ भी है, उसको भी मैं इसका भी मैं ख्याल करूंगी, लेकिन आपको पता है उसकी भी छोटी छोटी 3 बच्चियां आप वीडियो में देखते रहते हैं और ये खुद भी छोटा है, इतना बड़ा तो है नहीं कि अपना ख्याल करेगा। मैंने इसे समझाया बेटा इंशाल्लाह अगले साल हम खुद जाएंगे, तो है तो अपसेट है अभी भी लेकिन चले। तो ये एक ही बात कहता है कि आप हमेशा यही कहती हैं मुझे अगले साल। हाँ तो बस क्या करें, कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है, वरना तो बहन यही कह रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ चलें, लेकिन बस कुछ माली वजह से और कुछ थोड़े मेरे काम है अभी स्कूल के, मुझे छुट्टियां भी फिलहाल नहीं मिलती, आपको पता है जून में भी आधे में जाके मिलती है तो मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही थी, तो बस मना कर दिया है। बस अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान करे, आसानियाँ पैदा करे
और इसको भी समझा दिया कि हम कहीं यहाँ पे घूमने जाएंगे, जहाँ ये बोलेगा इसको लेके चलेंगे। वो मिशी की सिस्टर जो है जाती जो है ना अपने जो ना हस्बैंड के गांव में जाती हैं, तो मैं भी एक दफ़ा उनके गांव में गया हूँ इटाबार में, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत गांव है। तो हमने उनकी बच्चियों से यही कहा है कि वहाँ आप जाओगे तो जितनी भी जो है ना हरियाली वगैरह जो भी आप कहीं पे भी जाओ, बहुत प्यारा व्यू है जी माशाल्लाह से, हाँ, वैसे देखने उनका वाला। इरादा तो वो ये वीडियो भी बना था बना के हमें कि भेजेंगी उनका वैसे इरादा ये भी है कि नारायण का गान भी जाएंगे जी, नारायण अगर का हुआ गान तो। जी हमें तो बहुत वो कहते रहे हैं, मुझे मिशी हाँ को बहुत कहते रहे कि आप लोग भी चलो आप लोग भी चलो। कोई हमने अगर पैसों के मसले में के बारे में बात की तो उन्होंने कहा वो भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ हमने भाई कहा बिनोई ने फिलहाल जो है कहा ना है कि बस बिना दिल नहीं यही मान है रहा था, कुछ कि समझ नहीं आ रही थी। वहाँ की छोटी छोटी क्लिप लेके हमारी तरफ सेंड करना, हम खुद भी देखेंगे और आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लिया करेंगे। तो वो छोटी चिटकी जो है ना वो कह रही थी मैं बनाऊंगी व्लॉग और आपको भेजूंगी। बल्कि हमने ये भी कहा है कि जैसे अभी आप कल निकलोगे ना तो कल घर से निकलते हुए भी गाड़ी की भी और रास्ते की भी भेज देना वीडियो, तो वो भी हाँ भेजेंगे, वो भी हम वीडियो में इसी में डाल देंगे। इंशाल्लाह, मैंने उनसे कहा है, नायका से कहा है बड़ी वाली को कि ना छोटियों की वीडियो बना के मेरी तरफ सेंड कर दिया करना, कहती मैं करूंगी। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं ये लोग गाड़ी के अंदर। आयत गाड़ी में जा रही हो? चलो बाय। तो ये जी हमारी बस है, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ पर जी हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं, हैदराबाद का रास्ता आ चुका है, तो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है हमारा और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं।